देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि एमएसपी की गारंटी किसानों का अधिकार है। किसान आंदोलन को खत्म करवाते हुए केंद्र सरकार ने खुद इसका वादा किया था, अब उसे अपने वादे के मुताबिक प्रत्येक फसल पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। दिल्ली कूच करने वाले किसानों की मांगों पर भाजपा सरकार को विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने भी बार बार यह मांग सरकार के सामने उठाई है और पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था। और क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आप खुद ही सुन लीजिए। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। किसान संगठन जो दिल्ली कूच की बात कर रहा है, क्या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी का किसान संगठनों को समर्थन हासिल? देखिए, हम उसकी जो बात है, कांग्रेस ने ये पास कर रखा है अधिवेशन, जो मांग है कि एमएसपी जो मैनिफेस्टो में भी था, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और एमएसपी का जो फिक्स करेंगे वह स्वामीनाथन सीट पर उन्होंने पे करेंगे। सर, बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। सबसे अच्छा काम कोई करता है किसानों के लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। फिर क्यों किसान आ रहे हैं, क्यों किसान मार्च करें? किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों क्यों कर रहे हैं, रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं भाई? सर, 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत पहुंचने वाले हैं, वहां से भी बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत किया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार हरियाणा सरकार ये कहती रही कि जो जेंडर अनुपात है उसमें सुधार हुआ है, जेंडर अनुपात में सुधार हुआ है, लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। बाकी प्रधानमंत्री है, वो देश में कहीं भी जा सकते हैं। सर, इस बार का किसान आंदोलन आपको लगता है पिछली बार के तर्ज पे डेवलप हो पाएगा? देखिए, वो तो उनका कार्य है, किसान संगठन है उनका कार्य है, लेकिन जो बात है कांग्रेस का स्टैंड है, इस बात से सहमत है, इस बात का कहते हैं कि किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। एमएसपी का भाव स्वामीनाथन सीट ऑफ फार्मर में होना चाहिए। ये जब मैं अध्यक्ष था इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, उस टाइम की रिकमेंडेशन हमारी। सर, आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है पार्लियामेंट में भी डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि लगातार पार्लियामेंट सेशन जो है वाइप आउट होता हुआ नजर आ रहा है, एडजर्न हो रहे हैं हाउसेस, लेकिन इस मुद्दे को क्या कांग्रेस पार्टी सदन में भी उठाने की कोशिश करेगी? राजस्थान तो बैठे हैं सर, जब तक मांग नहीं मानते, सुनवाई पर नहीं आते तब तक। संसद में आप लोग और भी मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार उनके तो कुछ जवाब दे नहीं रही। देखिए, स्थगित भी हो रही है बार बार। सरकार बहस से बच रही है, बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं, किसान का है, एमएसपी का है, जैसे बुढ़ा साहब ने कहा, ये बात सही कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव से पहले 3100 रुपए प्रति क्विंटल की रास्ते खरीदेंगे, अब एमएसपी भी दी और 2100 से ऊपर नहीं खरीदा। अब किसान के, ये बड़ी सोचने की चीज है देश के लिए कि कितना बड़ा घोटाला इस भाजपा सरकार ने किया है कि जो बैलेंस बीच का है 2100 से 2300 के बीच में 2000 से 2300 200-300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, किसान के अकाउंट में जाता है पूरा 2300 का भाव का पैसा और किसान से फिर वो पैसा दबाव डाल करके वापिस लिया जा रहा है। तो हम सरकार से पूछते हैं, हरियाणा सरकार से, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इसलिए सरकार किसान के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार, केंद्र सरकार पार्लियामेंट एमएसपी पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और जो ज्वलनशील मुद्दे हैं जैसे अडानी जी का मामला चल रहा है, अडानी पे तैयार नहीं है बहस करने के लिए। दूसरों कई इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर का है, आपका चुनाव हुए थे, चुनाव का भी इश्यूज बड़ा भारी है। तो
सबसे जरूरी होता है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। इस तरह के इस सेशन में कृषि के ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से सरकार भाग रही है। चलो लेकिन सर ये बताइए कि सभी सांसद दिल्ली बैठे हैं सदन में चर्चा के लिए, सदन शुरू नहीं होता है, स्थगित कर दिया जाता है, लगता है विपक्ष भी जैसे एकदम चुप्पी साथ बैठा है कि ना चले तो ठीक है। नहीं, 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 चर्चा की मांग की है सर। हम तो चर्चा की मांग कर रहे हैं, पहली बार है कि सरकार भाग रही है। चर्चा की मांग की है, सरकार भाग रही है चर्चा से। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।